नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास आज LG का माइक्रोवेव आया है और इसका स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा। और अभी हमने इसको मेन प्लग लगाया है यहाँ पे, तो अब हम इसे चेक करते हैं। इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या देखते हैं लाइन ऑन छे, इसकी लाइन हमें इसको दे दी है, तो इसे अब चेक कर रहे हैं। स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा, अभी तक कुछ भी नहीं काम कर रहा, तो इसे अभी देखते हैं हम इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें, मीटर से चेक। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था, वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही थी, तो ज़रा सप्लाई ऑन कीजिए वहाँ से। तो हमने इसमें सप्लाई दी, डिस्प्ले तो ऑन हो रहा है, पर दोस्तों ना ही हमारा स्टॉप का ना ही स्टार्ट का बटन काम कर रहा है कोई भी। तो अभी हम दोस्तों इसे चेक करेंगे डायरेक्टली, हम इसे ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट देंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे जो आप ट्रांसफार्मर की सप्लाई देख रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट देंगे यहाँ पे, और चेक करते हैं कि हमारा मैग्नेट ऑन ओके है या नहीं। पहले हम विदाउट लाइट के मैग्नेट ऑन चेक करेंगे कैसे ख़राब है या ठीक है। तो अभी हम सप्लाई को ऑफ कर देते हैं वहाँ से, तो और लाइट देगा। और अब हम चेक करेंगे कि मैग्नेट ऑन कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, ये जैक निकालना है और इस जैक को शॉर्ट कर देना है बॉडी के साथ। कई बार क्या होता है कि इसमें करंट होता है, तो हम एक तार का इसे बॉडी के साथ टच कर देंगे, या तो तार से टच करें या विदाउट तार से। अभी इसे ऐसे कि ऐसे बॉडी से टच कर दीजिएगा, इसका थोड़ा सा नॉक को निकाल कर टच कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा कैपेसिटर कभी कभी चार्ज होता है तो करंट लगने का खतरा रहता है। तो अभी हम मल्टीमीटर को क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पे करेंगे। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। अभी हम इसे कंटिन्यूटी मोड पे कर रहे हैं, तो अभी इसमें कुछ होम दिखा रहा है, ये हमारा इस पर लगाने से कुछ होम दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 8-9। अब इसका हम एक प्रोप यहाँ लगाएंगे और दूसरी प्रोप इसकी बॉडी के साथ टच करेंगे, देखेंगे कहीं मैग्नेट ऑन अर्थिंग तो नहीं है। अगर दोस्तों आपका मैग्नेट ऑन अर्थिंग बोलते हैं तो समझिए आपका मैग्नेट ऑन ख़राब है। हम दूसरी प्रोब पे भी ऐसे करें, और दोस्तों यहाँ पे हम दोबारा चेक करेंगे, अगर आपकी रीडिंग 28 और इससे कुछ ज़्यादा रीडिंग आती है तो आपका मैग्नेट ऑन तब भी ख़राब हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आपके मैग्नेट ऑन के मैग्नेट भी टूट सकते हैं। अब हम इस मैग्नेट ऑन को चेक करने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, जैक लगाएंगे और डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पर 220 वोल्ट देंगे। जो आप इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसे डायरेक्ट हम यहाँ से इस जीक को निकाल करके 220 वोल्ट देंगे अलग से लीड बना करके। तो मैं थोड़ी देर वीडियो पॉज कर देता हूँ और लेके आता हूँ जैक। दोस्तों हमें डायरेक्ट ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए एक अलग से मेन तार लेनी है आपने, कोई भी 1.5 mm की या 2 mm की, और ऐसे आपको इसके गए थिम्बल पंच कर लेने हैं ताकि आप डायरेक्ट ट्रांसफार्मर चेक कर सकें। तो अभी हमें ये अभी एग्जैक्टली अभी हमें बनानी पड़ गई, तो अभी हम बना लेते हैं लीड। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम हर न्यू टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हर वीडियो डालते हैं ताकि आप सभी को पता चल सके। दोस्तों अभी हमने जो डायरेक्ट एक लीड बनाई थी, ये वाली देख रहे हैं आप, और जो हमारा ये वाले टर्मिनल थे, जो हमारा ये हमारे जो टर्मिनल थे इसके वाले, हमने इनको अलग कर दिए, ये देख सकते हैं आप, हमने इसको अलग कर दिए। तो अभी हमने जो अपने वाली लीड थी वो लगाई है, तो ऐसे आपको आपको 220 वोल्ट पर आपको ये डायरेक्ट लीड लगानी है। और दोस्तों ये हमें जैक माइक्रोवेव का लगा लेना है। और मैं अपने दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ जो दोस्त नहीं जानते। अगर आप इस जैक पर वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि इस पे कितने वोल्ट आते हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों इसके एक्चुअली पैनल में प्रॉब्लम है, आपको बताया स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा कोई भी, तो इसका पूरा पैनल बनाएंगे, तो कैसे बनाना है वो मैं आपको पूरा वीडियो बना करके नेक्स्ट में पार्ट में बताऊँगा। तो अभी हम करते हैं टेस्ट माइक्रो इसका मैग्नेट ऑन। तो अभी हम इसको 220 वोल्ट देंगे वहाँ से डायरेक्ट, जो भी रेड कलर की लीड बनाई थी। आपको ऐसे एम्पेयर मीटर लगा लेना है अलग से अपना। तो अभी हम इसको 220 वोल्ट देंगे, तो देखते हैं इसके अंदर
अब इसके अंदर हम 220 वोल्ट देंगे और देखेंगे कैसे चलता है। ऑन कीजिए जरा इसे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये हमारा 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, और देखिए कैसे जा रहा है एम्पेयर। हमने ऑन कर दिया, इसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है, अभी बंद कर देते हैं इसे। मैंने बंद कर दिया और अभी इसकी वायर निकाल लेते हैं। वायर निकालने के बाद हम इसका चेक करेंगे, जो मैंने इसके अंदर अभी पानी रखा था जो। तो दोस्तों काफ़ी पानी गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि इसका ट्रांसफार्मर और मैग्नेटोन दोनों ठीक हैं। प्रॉब्लम इसके पैनल में है दोस्तों। इसका पैनल जो बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।